रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित गुलाब नगर से एक मामला सामने आया है, जहां पर शराब के नशे में बारात लेकर पहुंचे दूल्हे ने जमकर उत्पात मचाया। जयमाला के दौरान नशे की हालत में लड़खड़ाते दूल्हे की हरकत को देख दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस दौरान विवाह स्थल में हंगामा मच गया। घटना के बाद लड़के पक्ष के लोगों ने लड़की पक्ष को शादी के लिए दोबारा राजी करने की लाख कोशिशें की, लेकिन बात नहीं बन पाई। आखिरकार दूसरे दिन सुबह बिना दुल्हन के ही बारात वापस चली गई। वहीं घटना के बाद देर रात विवाह स्थल में हंगामे के दौरान लड़की पक्ष शादी समारोह में खर्च हुई 5 लाख रुपए की राशि वापस लेने की जिद पर अड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। घटना समान थाना क्षेत्र के गुलाब नगर स्थित आशियाना मैरिज गार्डन की है। समान थाना क्षेत्र स्थित गुलाब नगर निवासी विमल दुबे की पुत्री का विवाह पीयूष मिश्रा निवासी नेहरू नगर से होना था। सोमवार की रात गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से बारात लेकर दूल्हा बना पीयूष मिश्रा बारात लेकर आशियाना मैरिज गार्डन पहुंचा। द्वारचार के दौरान ही दूल्हे की हरकत देख घराती दंग थे। द्वारचार के बाद दूल्हा जब जयमाला के लिए स्टेज पर पहुंचा तो वह लड़खड़ाने लगा तथा बाद में अपनी तलवार को बार बार म्यान से बाहर निकालता और अंदर डालता। इसी दौरान दूल्हे ने सबके सामने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। दूल्हे के अत्यधिक नशे में होने और लड़खड़ाने के चलते सामने खड़ी दुल्हन सहन नहीं कर पाई और माला तोड़कर उसने शादी करने से इनकार कर दिया और वहां से चली गई। बारात घर में हुई घटना की सूचना लड़की पक्ष के लोगों ने समान थाना पुलिस को दे दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। लड़की पक्ष वालों ने पुलिस से बताया कि दूल्हा पीयूष मिश्रा की हरकतों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बारात घर में दूल्हे पक्ष के लोगों ने लड़की पक्ष से शादी समारोह को फिर से शुरू करने की लाख कोशिशें की, लेकिन उनकी बात को दुल्हन ने मानने से इनकार कर दिया। दूल्हे की हरकतों से नाराज दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। रात भर दूल्हे पक्ष के लोगों ने लड़की पक्ष के लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसी बीच लड़की पक्ष के लोग शादी समारोह में खर्च हुए 5 लाख रुपए की रकम वापस लड़के पक्ष से लेने की जिद पर अड़ गए। सुबह होते ही पुलिस ने सामने दूल्हे पक्ष के लोग 5 लाख रुपए का चेक देने के लिए राजी हो गए, लेकिन लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़के पक्ष के द्वारा अब तक उन्हें कोई भी चेक नहीं दिया गया है। दूसरे दिन बिना दुल्हन के बारात वापस लौट गई। मामला हुआ कैसे शादी होता है? चर्चा उत्पन्न हुई थी शादी की, जिसमें बेफसली हुआ कुछ, लेकिन कुछ नशे की बात आने रही, इसमें संदेह उत्पन्न हुआ। बताया जा रहा है कि दूल्हा जो तो शराब के नशे में तो बात भी मचाने लगी। जैसे बारात आई दुबरा शहर में, तो लड़का बैठा डगमगा रहा था, तभी हम लोगों ने विशेष रूप से शंका उसमें दिया। थोड़ी देर में बैठ करके उठ करके चल दिया और बड़ी देर में आया। फिर भी कार्यक्रम द्वारा शहर का संपन्न हुआ, फिर जयमाला में गया, वहाँ भी कुछ उल्टी पुलटी गलत शब्दों का प्रयोग, लेन देन हमको ऐसा नहीं दिया, वो नहीं दिया, इसलिए वो लड़की नाराज होकर के माला तोड़ दी। कुछ विवाद की स्थिति भी बनी थी क्या? तो तलवार निकालने लगे भाई, तलवार डालता था, फिर डालता था। पुलिस में भी मामला दर्ज कर रहे हैं क्या? पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आवेदन दिए हैं, सौ नंबर लिखा लगा। अब क्या चाहते हैं आप? आप क्या चाहते हैं आगे? हम शिक्षा क्या चाहते हैं आगे? मामले को हम चाहते हैं कि आपस में निपट जाए। क्या नाम है आपका? हमारा घर पर से लेन देन मतलब हुआ है। नाम क्या है आपका? विनोद कुमार सोनी। बच्चे कहाँ शादी लगाई थी आपने बच्चे की? नेहरू नगर नागेंद्र मणि मिश्रा। लड़के का नाम क्या? पीयूष मिश्रा। बच्ची का नाम क्या? आपके
पीयूष मिश्रा। बच्ची का नाम क्या? बच्ची का क्षमा। आशियाना मैरिज गार्डन में एक शादी थी, उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि बोला शराब पिए हुए था, अभद्रता कर रहा था। उस बात की शिकायत लड़की पक्ष ने की थी और लड़के पक्ष ने भी आवेदन दिया कि शादी नहीं हो रही है। अब वर्तमान में जानकारी प्राप्त हुई है दोनों में आपस में कम्प्रोमाइज हो रहा है और शादी संभवतः नहीं कर रहे हैं। आप भी पहुंचे थे मौके पर? हाँ, स्टाफ गया था, रात में भी स्टाफ गया था, 6 नंबर भी गई थी। किस तरह का संदेश थे? निर्मित ना हो पाए इस बात का प्रयास पुलिस ने किया। परिजनों का आरोप है सर कि दुर्गा दारू पीते स्टेट में। हाँ, ये बात जानकारी आई कि कुछ ड्रिंक किए हुए था, जिस पर से लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। क्या समझौता हुआ सर दोनों बच्चों के बीच में? ये आपस में समझौता चल रहा है,